तक जहरीली नशा बांटिएगा, कब तक जहरीली नशा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के हित में वतन ना रहा तो फिर क्या बातिएगा। बहुत बहुत स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में, और आज उपस्थित है जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु विधानसभा क्षेत्र में। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान विधायक श्याम धनी राही जी। आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, जानते हैं किस मुद्दे के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत विधायक जी, और हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो वर्तमान में भी आप विधायक हैं और फिर से पुनः आपको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है, कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व में कपिलवस्तु विधानसभा 303 से प्रत्याशी बनाए थे, और उस समय आम जनमानस ने विश्वास करके अपना अमूल्य मत और आशीर्वाद दिया था, और चुनाव जीत करके मैं गया, और उसी तरह से विकास के कार्यों को मैं कपिलवस्तु में और आम जनमानस में सामंजस्य रखने का काम किया, और पुनः भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पुनः जनता के इस सेवक को विश्वास करके पुनः प्रत्याशी बनाए हैं। और पूर्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय विधायक कपिल विधायक नौगढ़ हुआ करते थे, माननीय धंडा यादव जी मंत्री हुआ करते थे, विकास के जो कार्य वो अपने कार्यकाल में किए थे, उसके बाद 15 वर्ष विपक्ष दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, जिससे विकास का कार्य ठप हो गया था, और पुनः जब केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, जो है सड़कों का जाल बिछा था, विकास का कार्य हुआ था, जब केंद्र में सरकार नहीं बनी तो विकास के कार्य सब ठप हो गए थे, लेकिन पुनः जब आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया तो पुनः भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हुए। हमारा संकल्प हिंदुत्व और विकास, उसी हिंदुत्व और विकास के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ। विधायक जी, हम बात करेंगे कि आप वर्तमान में कपिल वस्तु के विधायक हैं, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपने विकास के क्षेत्र में कपिल वस्तु के विधानसभा की जनता को क्या क्या चीज़ दी है? देखिए, यहाँ विकास के कार्यों में 1000 करोड़ रुपया लाकर विकास का कार्य कराया। जैसे हमारे मोहाना से लोटन चौड़ी मार्ग बना है, हमारा ककरही से गाय घाट 18 किलोमीटर चौड़ीकरण हो रहा है, हमारा ककरही का बांध जो है गांव में जाने के लिए कच्चा था उसको पिच कराया, तनाजवा को पिच कराया, और मेडिकल कॉलेज यहाँ हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, इस तरह से तमाम विकास के कार्य हुए। और ये 3308 लोटंग मार्ग जो प्रमुख मार्ग है, ये मार्च में दीपावली के अवसर पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने 2 तारीख को इसकी स्वीकृति दिए, 24 तारीख को वित्तीय स्वीकृति हुआ, 46 करोड़ की रोड ये चुनाव बाद शुरू हो जाएगा। इस तरह से 69 जो है हमारे सड़कें ग्रामीण में बनी हैं, और 7 ऐसी सड़कें जो हैं चौड़ीकरण सुंदरीकरण है, जिसको परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने डुमरियागंज में लोकार्पण किया और 69 सड़कों का शिलान्यास किया। इस तरह से कपिलवस्तु विधानसभा में तमाम ऐसे विकास के कार्य हुए जिसका सबका लागत 1000 करोड़ से ऊपर की लागत है। हमारा यहाँ पुल सिमरा खुर्द में बन रहा है, और इधर हमारा सिमरा यहाँ जो है सिसवा ग्रांट में जमुआ नाले पर बन रहा है 14 करोड़ का, 18 करोड़ का, फिर 5 पुल हमारे आए हैं जो 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह से पुलों का जाल बिछ रहा है। इस नाते क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास, और इसी आधार पे आम आदमी को कपड़ा मकान रोटी ये देने का काम कर रही है।
विधायक जी आगे क्या किस विकास के साथ फिर आ रहे हैं आप विधानसभा में, क्या विकास करना है आगे? देखिए जो छोटे मोटे अधूरे काम बचे हैं जी, अंजलि बसावटे हैं, ऐसे सड़कों को 59 सड़कें तो अंजलि बसावटों का मेरा बन रहा है, लेकिन कुछ सड़कें शेष हैं क्योंकि माननीय धनराज यादव जी ने जो कार्य किया था उसी पर ठप था। 15 वर्ष दूसरे सरकारें रहीं, समाजवादी पार्टी की दो बार, एक बार कांग्रेस, कोई कार्य नहीं हुआ। इस नाते इधर का जो शेष कार्य है उसे पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सेवक को पुनः विश्वास करके भेजे हैं कि जो अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करेगा। सोच ईमानदार काम दमदार का प्रचार प्रचार कैसा चल रहा है विधायक जी? देखिए ये तथागत की धरती है जहाँ से शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में गया था, और यहाँ का आम जनमानस शांतिपूर्वक भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को शांति दिया है, क्योंकि पूर्व की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उस समय 403 दंगे हुए थे। उस दंगे में दंगा तो किसी को पहचानता नहीं कि मुसलमान है या हिंदू या क्या है, गोली निकलेगी तो जो भी सामने पड़ेगा उसी को लगेगा। इस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश तबाह हो गया था, और आज आम जनमानस को बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और ऐसे तमाम परिवार जिन्हें राशन पूर्व की सरकारों में तमाम ऐसी बातें आते थे, पेपरों में आता था कि फला गांव में भूख से मर गया, लेकिन आज कोई ऐसा गांव या देहात या कहीं इस प्रकार का कोई संदेश नहीं है। सीमा पर आए दिन तमाम ऐसे लोगों की हत्याएं होती थी, लेकिन आज सब पर विराम लग गया है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से अपने कपिल वस्तु विधानसभा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हमारा तो अपील यही है कि आम लोगों में सामंजस्य बना रहे, और विकास के कार्य तभी होते हैं जब शांति रहता है, और आम जनमानस में ये विश्वास होता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के, आज पूरा विश्व उनको अपना एक आदर्श मानते हैं। उसी तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पूरा विश्व वो आदर्श स्वरूप के प्रतीक हैं, तो दोनों हमारे ऐसे सन्यासी हैं जो विकास के कार्यों को आम जनमानस में सामंजस्य बनाने का काम कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, आम ऐसे नवयुवकों को नौकरी में बिना पैसे को उनको नौकरियां मिल रही हैं। इस नाते आम जनमानस का ये संदेश है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के सरकार बनाने के लिए आम जनमानस संकल्पित है, और हम लोगों को विश्वास है उनके चरणों में निवेदन करते हुए कि पुनः वो सब लोग वो मतदाता बंधुओं से अनुरोध है कि जिस तरह से अपना आशीर्वाद और अमूल्य वोट देकर कपिल वस्तु ही नहीं पूरा सिद्धार्थनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में वो उसी तरह से पुनः परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुमत दे रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी। तो ये रहे विधायक जी श्याम धनी राही जी, जो कपिल वस्तु विधानसभा के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में काफ़ी विकास दिया है विधानसभा को, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ के विकास के राह पे लाने वाले हैं। धन्यवाद, बंद रहे।